हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शाइन विद बबीता। आज हम बनाने जा रहे हैं भटूरे, जो कि सबको पसंद होते हैं और ये घर पर बहुत आसानी से बनाए जा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, घर पर अगर इसको आप बनाते हैं तो ये हमारे टेस्टी बनते हैं, हेल्दी बनते हैं और ये हाइजेनिक भी होते हैं। क्योंकि मार्केट में जो भटूरे बनते हैं, ना जाने वो कैसा कैसा रिफाइंड यूज़ करते हैं, लेकिन घर में बनाएंगे तो ये बहुत ही शुद्ध तेल में बनेंगे। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। मेरी फ्रेंड्स, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। फ्रेंड्स, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरी वीडियो को मतलब पूरा देखें, ताकि आपके फ्रेंड्स को और आपके सर्कल में जितने भी आपको जानने वाले हैं उनको भटूरे की नई टिप्स के बारे में पता चले, जिससे हमारे भटूरे इतने फूले फूले बनेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, बनाना शुरू करते हैं। फूले फूले भटूरे बनाने के लिए हमने यहाँ पर लिया है 2 कटोरी मैदा। देखिए, 2 कटोरी मैदा मतलब 250 ग्राम मैदा। तो इसमें हमें क्या क्या डालना है, पहले हम इसमें बीच में थोड़ा सा स्पेस बना लेंगे इस तरह से। तो मैंने यहाँ पर लिया है 1 चम्मच बेकिंग पाउडर और 1/2 चम्मच बेकिंग सोडा। इसको हमें 1/2 चम्मच से भी कम लेना है। नमक, ये देखिए 1 चम्मच नमक मैंने डाल दिया है। 1 चम्मच मैंने चीनी डाल दी है, पिसी चीनी, और 2 टेबल स्पून मैंने डाली है यहाँ पर सूजी। और यहाँ पर मैंने 4 बड़े चम्मच लिए है दही। तो हम इसको धीरे धीरे इसमें मिलाएंगे। और 2 टेबल स्पून मैंने यहाँ पर लिया है ये रिफाइंड ऑयल, आप चाहें तो देसी घी भी ले सकते हैं या वनस्पति ऑयल भी ले सकते हैं। अब हम इसको धीरे धीरे हल्के हाथ से इसको मिक्स करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से। इससे हमारे जो भटूरे हैं वो बहुत फूले फूले और बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसे से बनेंगे। ये देखिए, हमें बहुत टाइट हाथ से आटा नहीं लगाना है, हमें इसका आटा थोड़ा सा ढीला लगाना है, तो इसलिए हम इसको हल्के हल्के हाथ से इसको मिक्स करेंगे। अब देखिए हमारा इसमें मिक्स हो गया है। अब हम इसमें पानी डालेंगे। पानी हम धीरे धीरे करके डालेंगे, जितना हमें ज़रूरत होगा। ये देखिए, ये देखिए फ्रेंड्स, इसका आटा हमें बहुत सख्त नहीं लगाना है, क्योंकि जितना हमारा आटा ढीला होगा उतने ही हमारे भटूरे अच्छे फूलेंगे। ये देखिए, ये देखिए हमारा आटा ही हो गया। हम थोड़ा सा तेल का हाथ लगा के इसको अच्छे से सॉफ्ट टो में चेंज कर लेंगे। ये देखिए, इस तरह से आपको धीरे धीरे हाथों से इसको गूंथना है। मथ लिया है। अब देखिए, इसमें हम हल्का सा तेल लगाकर ऊपर इसके, ताकि ये पपड़ी ना जमे। देखिए फ्रेंड्स, हमारा जो ये आटा था, हमने इसको 2-3 घंटे आराम से रख लिया है। इसमें अच्छे से देखिए कितना अच्छा से हमारा ये खमीर उठ गया है। ये हमारे आटे के लिए बहुत ज़रूरी है। अब जो हमारे हम इससे बनाना शुरू करते हैं भटूरे, तो हमें इस तरह से लोई लेनी है। ये देखिए हमारा बिल्कुल ये एकदम मुलायम डो है, ये बहुत टाइट नहीं है। ये देखिए, अब हम इसको यहाँ पे इसे रख के बेलेंगे। हमने ये नीचे तेल लगा लिया है, थोड़ा सा तेल हमने बेलन के ऊपर लगा लिया है। और अब हम इसको इस तरह से, ये देखिए फ्रेंड्स, जितनी देर तक हम आटा रखेंगे उसी तरह उतना ही हमारे जो भटूरे हैं वो फूले फूले और सॉफ्ट बनेंगे। ये देखिए, ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से आपको, आप चाहे तो गोल बेल सकते हैं, मैं इसको ओवल शेप में बनाऊंगी। मैंने यहाँ पे कढ़ाई ली है, कढ़ाई में तेल को मैंने गरम कर लिया अच्छे से, और अब मैं इसके अंदर ये डाल दूंगी। ये देखिए फ्रेंड्स, आपको इस तरह से, ये देखिए फ्रेंड्स, बिल्कुल बैलून की तरह हमारा ये भटूरा फूला है। ये देखिए, ये देखिए फ्रेंड्स, आपको
अच्छे से दिख रहा होगा, बिल्कुल बैलून की तरह हमारा फूला है। ये देखिए कितना अच्छा हमारा भटूरा बनके तैयार हुआ है। इसको हम साइड कर लेंगे। अब हम इसी तरह से देखिए, हमें इतना बाउल लेना है, ये देखिए, और हमें इसको ऐसे रख के, ये देखिए फ्रेंड्स, आप इसको चाहो तो गोल शेप में चाहे ओवल में, और कंटिन्यू इसको आपको बेलना है। मैंने इसको हाथ पे लेके थोड़ा सा एक दो मैंने इसको ऐसे कर लिया है, और अब मैं इसको, ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा भटूरा अच्छे से फूल रहा है। ये देखिए, ये देखिए फ्रेंड्स, इसी तरह से हम ये सारे भटूरे बना लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, सारे भटूरे हम हमें ऐसे ही बनाने हैं। ये देखो बिल्कुल बैलून की तरह हमारा भटूरा फूल के, ये देखिए फ्रेंड्स कितना अच्छा भटूरा हमारा फूला है। आप खुद देख सकते हैं कितना फ्लफी, कितना हमारा, कितना अच्छा भटूरा बना है। देखते ही खाने का मन कर रहा है ना, तो देर किस बात की, इसी प्रोसेस से बनाइए, खाइए और खिलाइए। और अगर मेरा आपको ये तरीका अच्छा लगा हो या मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो, तो अपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ये देखिए फ्रेंड्स कितना अच्छा भटूरा बना है। देखिए फ्रेंड्स, क्या बैलून की तरह हमारे जो बिल्कुल बैलून से भी ज़्यादा फूल रहे हैं। ये देखिए, आपको दिख रहे होंगे, देखिए कितने मज़ेदार भटूरे बन रहे हैं। देखो ज़रा, देखिए मतलब ये इतना फ्लफी और इतना गोल मोल हो गया है। ये देखिए, देखिए देखिए फ्रेंड्स, हमारा एक भी भटूरा ऐसा नहीं जो ना फूला हो। सारे भटूरे हमारे कितने अच्छे बने हैं, आप खुद देख लीजिए। अगर आप यही प्रोसेस फॉलो करेंगे, इसी मेजरमेंट से अगर आप आटे को लगाएंगे और कम से कम 3 से 4 घंटे इसको छोड़ देंगे, तो इसमें अपने आप भी एक बहुत अच्छा जो इसका टेक्सचर है वो बन जाता है। और उसके बाद अगर आप भटूरे बनाएंगे तो बिल्कुल मार्केट से भी ज़्यादा अच्छे होंगे। ये देखिए, आप खुद देखिए। तो फ्रेंड्स, चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट रेसिपी के साथ।